हस्बैंड नहीं है तो मैं विधवा हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक किसी के हाथ से सिंदूर गिर जाता है मेरे ऊपर, और हाउ जो पंडित जी हैं इस मंदिर में वो ऑफेंडेड हो जाते हैं कि एक विधवा सफ़ेद साड़ी से लाल साड़ी कैसे है। और फिर उस चीज़ को, जैसे हमारा शो ही अंधविश्वास और विश्वास के ऊपर है, तो उसी का पूरा आर्ग्यूमेंट है कि तो क्या हुआ अगर एक विधवा ने कलर भी पहन लिया तो क्या हुआ, तो समथिंग ऑन दैट लाइन्स। ओह डोंट आस्क, आई थिंक हमारे हर एपिसोड में कम से कम 4 ट्विस्ट होते हैं। बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं आई थिंक, स्पेशली मंजरी के लाइफ में, क्योंकि अब उसके हस्बैंड नहीं हैं, जो बच्ची है उसकी जान पे खतरा है, तो एक ईविल देवरी करके हमारे शो में आए हैं जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और मंजरी बहुत प्योर है तो वो उसके अगेंस्ट खड़ी है, तो इट्स सैनिटी वर्सेस इनसैनिटी। दिवाली आ रही है तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? रियल लाइफ में तो बहुत धूम धड़ाके से, मैं क्रैकर्स नहीं बर्न करती हूँ, लेकिन मुझे लाइट्स का बहुत शौक है, तो कैंडल्स होंगे, दिया होगा, पूजा होगी, एंड क्रैकर्स के मैं अगेंस्ट हूँ, बट सेट पे भी आई थिंक हमारी दिवाली होने वाली है, सो इट्स गोइंग टू बी फन। व्यूअर्स को कैसे विश? विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी दिवाली, हैव फन, प्लीज डोंट बर्न क्रैकर्स, आई डोंट थिंक वी शुड बी एडिंग ऑन टू द नॉइस पोल्यूशन, हैव अ लॉट ऑफ फन एंड हैप्पी दिवाली।